हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंघाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो आपके डॉग्स में या किसी के भी डॉग में लेग बेंडिंग की दिक्कत आ जाती है, उसको कैसे ठीक करें और वो क्यों होती है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरे पास एक रॉटवाइलर है और उसको भी हल्की फुल्की लेग बेंडिंग की दिक्कत आ गई थी। पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों होती है। ये कहीं जगह कई लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन की दिक्कत है, और दूसरी एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, जो हमारे घर के फ्लोर्स होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें मार्बल या टाइल्स यूज़ होती है और जो डॉग्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते। इस वजह से वो पैर टेढ़े वगैरह रखते हैं, तो इसलिए उनकी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती है आती है और एक रीज़न न्यूट्रिशन है। तो ऐसे ही मेरे डॉग के साथ हुआ। मेरे डॉग का रीज़न ये था कि फ्लोर वाली दिक्कत थी उसको, तो भाई उसका क्या, हमने क्योर कैसे करा उसे, वो अब 90% क्योर हो चुका है। डॉक्टर से भी मैंने रिकमेंडेशन ली कि कैसे उसे ठीक करें। तो फिर आप अपने डॉग को जितना हो सके उसे, जैसे ये पार्क है ऐसी जगह, या फिर जो मिट्टी वगैरह होती है उसमें लेके जाओ, ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड उसे वहाँ कराओ। जो वो खेलता है ना, कोशिश करो कि वो वहाँ पे ही खेले, जैसे ये पार्क है यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करे एज़ कम्पेयर टू जो फ्लोर्स है आपके घर के। और जहाँ पे वो सोते हैं वहाँ पे आप मैट बिछा दो या कोई बड़ा गद्दा बिछा दो, जैसे कि मैंने थोर के साथ करा। थोर के लिए बहुत बड़ा एक गद्दा लगा दिया, जो वीडियो में आप देख ही रहे हो साइड में, और अभी वीडियो भी दिखाऊंगा मैं जिसमें उसको और कैसे ठीक करा। फिर पापा जी उसको रोज़ एक्सरसाइज के लिए लेके जाते हैं, और जो बहुत ज़रूरी है आपके डॉग के लिए, ग्राउंड में फुल दौड़ाते हैं उसे कि वो पैर सीधे रखे, और अब उसकी 90% वो इम्प्रूव हो चुका है इस चीज़ में। तो सिंपल सी भाषा में ये है भाई कि आप अपने डॉग को ना ज़्यादा, देखो ये तो है नहीं कि आप फ्लोर ही चेंज करा दोगे, ये तो चीज़ इम्पॉसिबल है। तो भाई अपने डॉग को ना ज़्यादा ना अपने फ्लोर्स पे खेलने मत दो, ये चीज़ है। और उसके न्यूट्रिशन पे का ध्यान रखो, और ये वीडियो देख लो आगे कि उसको क्या एक्सरसाइज करानी चाहिए कि उसकी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। जितनी बार भी फेंकते हैं ये वहाँ से उठा के यहाँ पे बैठ जाता है। इसने ये अपनी जगह बना रखी है, यहाँ से छोड़ पड़ा है यहाँ पे, तो ये आराम से बैठ जाता है यहाँ पे, बैठ के छोड़ देता है, और उसके बाद फिर वहाँ से लेके आएगा तो भी यहीं बैठेगा, इस साइड से लेके आएगा तो भी यहीं बैठ। अभी तक टाइम भी ज़्यादा हो गया, 35-40 मिनट होगी, मेरे को भी साथ चल गए, जिसको तो चल नहीं थे, तो ये इसकी रूटीन है डेली। इस तरह लेके आता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा अंधेरा होता है जब लेके आता हूँ, उस टाइम में घूम लेता है यहाँ पे। अच्छा पूरा मैदान है, खाली मैदान है, फ्रेश हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद ये इसको हर रोज़ ये बात करें। अब ठीक है, इसकी ग्रोथ भी सही है, देखता भी सही है इसका, बहुत और माँ भी ठीक है इसके बिल्कुल।